अस्सलाम वालेकुम बॉयज। तो यार आज है दूसरा दिन, और दूसरे दिन के अंदर पता क्या दलाल तो हो रही है मेरे साथ। ये देखो कितनी बाबी तो बहुत तेज हो रही थी, भी थोड़ी हल्की हुई, तो मैंने कहा यार चलो निकल जाता हूँ, कहीं यही ना हो कि भाई जान फुल मैं भीग के जाना पड़े। देखो यार भाई यार दुआ करो तेज ना हो जाए। सबके पास छतरी है, मेरे पास छतरी नहीं है। अजीब यार, मैं भी तैयारी नहीं करके आता पूरी ना। तो यार भाईजन वो तैयारी इसलिए नहीं हुई कि भाईजन आपका भाई भी था वीडियो बनाने के अंदर, वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे याद ना मैंने क्या पैक करना क्या पैक नहीं करना। हाँ तो यार वो अभी का सीन ये है कि आपका भाई के पास छतरी नहीं है, और बस जो है वो 8:40 पर दोबारा निकल रही है। अब आपका भाई जाके छतरी खरीदेगा और थोड़ी खाने पीने की चीज़ें खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लंच वंच मिलता है ना वो हलाल नहीं होता, मैंने तुम लोगों को कल भी बताया। तो अभी यही सीन है, बाकी यार मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, लेकिन ये वही बात है मौसम प्यारा, मेरे पास छतरी नहीं है तो वी कॉन्ट इन्जॉय द मौसम, यू नो रियली। बहुत इंग्लिश हो गई है। तो खैर ये स्कूल है, वो सामने कोर्स बना हुआ, कोर्स हम लोगों ने कल देख ही लिया, पूरा दिखाऊंगा। और ये लंच रूम का एरिया, बाकी ये भी लंच रूम का, वो भी लंच रूम का, ये क्लास है, और ये सीढ़ियाँ चढ़ो तो पर एक और क्लास है, और ये ऑफिस है। बस यही सीन है, बाकी अब जब तक हमें कुछ नहीं मिलता हम इधर ही खड़े हैं। 40 पे बस निकलनी है, और टाइम जो है वो हो रहा है जी, ये देखो 8:34, तो 6 मिनट हो रहे हैं फिर बस निकलेगी, फिर हम भी निकलेंगे। तो यार आपका भाई शॉपिंग करने आया था, और लुक व्हाट आई फाउंड, द एग्जैक्ट सेम मैच ऑफ माय बिलव्ड कार, लेकिन इसको किट नहीं लगी हुई ना बस। ओए होए होए मूव। लेकिन खैर जो भी है, इंशाल्लाह आपका भाई लाइसेंस पूरा लेगा, इंशाल्लाह जाएगा। हाँ जी, तो बॉयज अभी टाइम जो है ना वो हो गया है पूरे 12:51, और हमारा जो पीरियड है वो है जी आज 7 और 8 मतलब 13:30, मतलब 1:30 से लेके 5:20 तक पीरियड है हमारा। अब तैयारी कर रहे हैं, जापानी भाई हमारे चले गए क्योंकि उन्होंने खाना खाना था, मेरा खाना है कोई नहीं, मेरा वो पड़ा हुआ बस, वो थोड़ा बहुत जो पड़ा हुआ है, ये गोमिश में बड़ी है बस। और सुबह जब मैं निकला था तो बाहर बारिश हो रही थी, और अब देखो माशाल्लाह बारिश है ही नहीं। यह है भाई, हो रही है। तो ये कुछ सीन है। अब देखो भाई निकल रहा थोड़ी देर में, तो मैं सोचा अपडेट कर दूँ। बाकी ये देखो, ये मैंने कोई पिछले कोई 2 घंटे से भी लगाई है, और 85% हुई है जाके बस अभी तक, पता नहीं क्या बनेगा भाई। बहरहाल देख लो, कष्ट कर रहा हूँ, आ रहा है व्लॉग। तो यार वो इस टाइम हो गया, देखो मैंने पर्दे पुर्दे भी लगा दिए, और मास्क भी पहन लिया, छतरी पकड़ ली है हाथ में, छतरी पकड़ ली है, तभी पकड़ ली है, ये पकड़ ली है। अब चलते हैं हम लोग, लाइटें लोटें मैंने पहले ही बंद कर दी थी, पता नहीं बाहर कोई हो ना हो, इसलिए मैं आराम से चुप करके निकलूंगा। जी तो बॉयज कुछ ये सूरत हाल है कि बारिश फुल टका के हो रही है, ठीक है। बाय द वे यार चेक करो स्विफ्ट सपोर्ट्स, ये बस जा रहे हैं स्कूल। ये मैंने बैग पकड़ लिया हुआ है, पता नहीं यार गीली ना हो जाए अंदर टेक्स्ट बुक्स, छोड़ो खैर मुझे क्या। और नहीं नहीं यार, और देखो खुआरी होनी ठीक, टांग नहीं,
रुको यार तुम लोग। हाँ तो यार तुम लोग वैसे लग रहा होगा मैं ड्रामे कर रहा हूँ, लेकिन यार ये बिल्ली जो है ना भाई बहुत तंग करती है भाई। जो बंदा खाना खा रहा है उसके पास जाके बैठ जाएगी और फिर आगे से मासूम मुंह बना लेगी जैसे इसने कुछ खाया नहीं है। लोग डालते धुलते बड़ा कुछ है इसको, लेकिन फिर भी भाई बहुत मासूम बिल्ली है लेकिन बहुत शरारती है। मेरे पास भी दो तीन दफ़ा आई थी, खैर आपके भाई ने इसको इतना घास में डाली तो आती नहीं मेरे पास अब, कुछ ये सीन है। वैसे बिल्ली बड़ी मासूम है और मेरा जो दोस्त है मतलब मेरा जो भाई है अजमीर गेमिंग, उसको बिल्लियाँ बड़ी पसंद है। तो अगर अजमीर तू ये देख रहा तो भाई ये तेरे लिए बिल्ली। हाँ तो यार भैया तुम लोगों को मैंने कल एक बात की थी कि एआई ने मरी जान खाई हुई है। ये जो इसका 8वां चैप्टर है ना, मैं कोई पिछले कोई 4 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, लेकिन ना वो पता नहीं क्या एरर देता है और वो बंद हो जाता है। ये सीन होता है यहाँ पे। तो मैं बैठा था तकरीबन कोई 8 बजे और टाइम देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो? तो ये खुआरी है। बहरहाल कोई नहीं, करेंगे करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ The next day. हाँ तो यार बॉयज आज है 4th दिन यहाँ पे मेरा जो कि है June 3rd का, ठीक है, और टाइम हो रहा सुबह के 8:46। अब सीन क्या तुम लोगों को मैं यहाँ पर समझाता हूँ। सीन ये है कि भाई जो हमारे इधर जैपनीज भाई हैं ना, वो इनका ये देखो वैसे कर छोड़ो कोई बात नहीं, उनका जो पीरियड था ना वो ये 2 और 3 है, वो उधर ही स्कूल में है। अभी मैं आ गया वापस, मेरा है 5th में है, ये करके मैं वापस आ जाऊँगा और फिर होगा मेरा 8 के अंदर। तो मुझे इन्होंने दवा दे दी है थोड़ी लंबी फटीक। और अब सीन क्या भाईजान, सीन ये है कि भाई आज हो सकता है मैं गाड़ी खुद चलाऊँ वायरलेस, मतलब वो कोई टीचर साथ बैठेगा मेरा, लेकिन वो मुझे ये नहीं बताएगा कि इधर मुड़ जाओ उधर मुड़ जाओ। तो यहाँ पे ना मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कोर्स है, मतलब ना कोर्स का ये देखो, जैसे ये है ना ये कोर्स है पूरा एक, इसमें ए बी सी, ये देखो ये ऊपर वाला जो है ना ये ए है, तुम लोगों को मैं उल्टा दिखा रहा हूँ एक मिनट को, ये देखो ये ए कोर्स है। अब ये ए कोर्स जो है ना, एक मिनट को कहाँ से, ये ए कोर्स जो है ना, अबे रुक जाओ यार मैं इसको बाहर निकाल लूँ, ए कोर्स है ना, अबे यार हाँ अब देखते हैं। जो ए कोर्स है ना वो होना यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ से ऐसे जाऊँगा पहले मैं, फिर पूरा ऐसे घूम के यहाँ से ऐसे आऊँगा, ऐसे पूरा सब क्लियर करके यहाँ से फिर यहाँ पे आके ये इशारा है, यहाँ से आके इधर मुड़ के तो यहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये एक कोर्स जो है ना मैंने वायरलेसली करना है, इसमें एक गलती है मेरे 5 पॉइंट कटेंगे, टोटल मेरे पास होते हैं तकरीबन 20 पॉइंट, तो 5 5 5 5 मतलब 4 गलतियाँ कि ये कोर्स ख़त्म और ये दोबारा करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसके लिए इतना कोई आज वो हुआ हूँ ना कि भाई पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। और दूसरी बात ये भाईजान के बारिश मुकने का नाम नहीं ले रही, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, आज 3 बजे ख़त्म हो गई जाके, अभी भी देखो बारिश हो रही है बाहर, फुल ऑन फुल बारिश हो रही है। ओए खुल जा, ये देखो पूरी बारिश हो रही है बाहर, ये कुछ हिसाब है। और वो देखो यार क्या मतलब लेवल है कि नहीं, ये थोड़ा सा फार्म है पीछे एक, ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। बाकी आपका भाई तो वही शेख बना हुआ है, उसने फुल एसी खींच के रखा हुआ है, क्योंकि भाई एसी के पैसे दिए हमने यार। मुझे ज़्यादातर ये पसंद है कि यार अंधेरा अंधेरा सा हो कमरे में और एक छोटी सी लाइट है ये जल रही हो, एक मिनट रुको ये वाली लाइट। तो ये कुछ हिसाब है यहाँ पे फिलहाल ये चल रहा है। तो अभी आपके भाई की 2 क्लासेस हैं, वो लेनी है, मैं बैठ के मैंने ऑनलाइन सेटअप करता हूँ उसका। वो बॉयज अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है भाई जान 8:31 और अभी भी पीरियड ख़त्म हुआ है एक और, जो कि मेरा सेकंड लास्ट था, नहीं कल सेकंड लास्ट और लास्ट कल होगा, फिर टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद फिर एक और टेस्ट होगा 50 सवाल जो आपका, फिर मुझे मिलेगा लर्नर्स परमिट और फिर मैं यहाँ से गाड़ी बाहर लेके जाऊँगा अपनी यहाँ से। वो लेके जाने के बाद मेरा फिर एक और टेस्ट होगा, बड़े टेस्ट हैं भाई, बड़े टेस्ट हैं।
ओए भाई क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल, तो घर चल सकते हैं हम लोग सिर्फ। Several days later. हाँ तो यार बॉयज, आज दिन है ट्यूसडे और तारीख है 6। टाइम हो रहा है 9:39 और टेस्ट होने वाला, बस ड्राइविंग टेस्ट। अभी यहाँ से गाड़ी गई है, ये उन्होंने मैप दिया मुझे, ये वाला भी मैप है, ये देखो क्या सीन बनता है। बस यार इंशाल्लाह उम्मीद पूरी आपके भाई को हो जाएगा। वो देखो गाड़ी आ रही है ना, वो वाली जिसके ऊपर वो लाल साइन लगा हुआ है, इस गाड़ी में टेस्ट होगा मेरा इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है आपका भाई इस टेस्ट को क्लियर कर लेगा। अभी एक बंदा टेस्ट दे रहा है, अभी मेरे बाद दो बंदे और हैं, फिर मैं हूँ। उम्मीद पूरी है, बस देखो यार आज क्या बनता है, मैं आप लोगों को फिर अपडेट करता हूँ क्या सीन है क्या सीन नहीं है। हाँ तो बॉयज़, ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद जो ड्राइविंग जिसने ड्राइविंग टेस्ट लिया था उसने आके सबको बताया कि भाई आप सब लोगों ने ड्राइविंग टेस्ट कंप्लीट कर ली है। करने के बाद भैया ने हमें चला के भैया ने हमारा 1 बजे जो है वो अब दोबारा टेस्ट होगा, पेपर टेस्ट। तो आपका भाई जाके बैठा ऊपर, पेपर टेस्ट दिया, खैर उस पर भी एक थोड़ी स्टोरी हो गई थी, वो तुम लोगों को फिर कभी बताऊँगा। तो ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद वो टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद नीचे आए तो उन्होंने बताया भैया ने 10 मिनट बाद आपको रिजल्ट का पता चलेगा कि भैया ने आपने फेल किए या आपने पास किए। 50 क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है, उसमें से मैंने कम से कम 45 क्लियर करने थे टू गेट माय परमिट, लर्नर्स परमिट। तो मैं बड़ी खुशी से तुम लोग बताना चाह रहा हूँ कि भैया मैंने दोनों टेस्ट क्लियर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फाइनली लर्नर्स परमिट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह का जितना शुक्र करूँ उतना ही कम है। बॉयज ये देखो आपका भाई खा रहा है नूडल्स, ठीक है, हलाल है भाई जान, हराम नहीं है, हलाल है अल्लाह का शुक्र है। और टाइम भी हो क्या हो रहा है 4:34 हो रहे हैं, और मेरा जो है भाई जान अगला पीरियड जो है पूरे 5 तीस पर स्टार्ट होना है, एक ऑनलाइन पीरियड वो ख़त्म होना है, फिर मेरे 2 ड्राइविंग लेसन हैं जो कि मेरे 6:40 पर शुरू होने और 7:30 पे ख़त्म होने हैं, फिर 7:40 पे शुरू होने और 8:30 पे ख़त्म होने हैं। मेरा पूरा दिन जैम पैक्ड है। हाँ तो यार मौसम चेक करो कितना कोई मज़े का हो रहा है, लेकिन फिर मुझे एक टेंशन लगे कि भाई मैंने गाड़ी लेके निकलनी, पहले तो वो बाहर आज सड़क के ऊपर, और वही हुआ जिसका डर था, रात को बारिश हो गई। तो वो इस तुम लोगों के लिए देखना, तो वो शायद तुम लोगों के लिए देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन रात हो रही है, रात के बज रहे हैं तकरीबन मेरा ख्याल 7:40, और अभी आपका भाई ये गाड़ी चलाने लगा है। पहले आपका भाई ने ये जो गाड़ी की डिग्री खुली है ना, ये गाड़ी चलाई है 60 किलोमीटर सड़क पर लेके निकलूँ, अब इंशाल्लाह ये वाली गाड़ी लेके निकलूँगा। अभी दूसरा पीरियड है, आज आपके भाई को मिल गया लाइसेंस, कौन सा वाला, लर्नर्स परमिट अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, फुल भाईजान बादल हैं, बारिश का मौसम है, रोमांटिक मौसम है, लेकिन साथ मेरे बैठना है इंस्ट्रक्टर ने, काश आपकी भाभी, कोई बात नहीं। The next day. हाँ तो बॉयज आज 7वां दिन है मुझे, और टाइम इस वक्त हो रहा है 8:08, मतलब 8:08 सुबह के, और लुक एट द मौसम यार, मैं कहता हूँ क्या खीर हुआ है। कल रात को जब ड्राइविंग कर रहा था ना मैं, पहले दफ़ा जब मैं गाड़ी बाहर निकाली थी सड़क के ऊपर, तो बारिश बहुत हो रही थी, लेकिन आज तो भाई मौसम की मैं कहता हूँ क्या ही बात है, और पर जगह भी पहाड़ों के अंदर है ये। तो आज भी मेरे इंशाल्लाह 3 लेसन होंगे ड्राइविंग के, और 3 ही मेरे ऑनलाइन लेसन होंगे, वो भी लेना है। तो लेने के बाद आपका भाई जो है फिर कल की सारी तैयारी करेगा, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ, और बस यही सीन था, तुम लोग तो अपडेट कर दूंगा। लेकिन यार मौसम ऐसे मौसम में गाड़ी हो बंदे के साथ, और हाँ तो यार भाई तुम लोग देखे डर गए कि भाई ये लाशें किसी पड़ी हैं, ये लाशें नहीं पड़ी, ये डमीज पड़े हैं। अब तुम लोग सोच रहे भाई जान ये क्या हो रहा है, तुम तो ड्राइविंग सीखने आए थे, तो भाई जान यहाँ कितने रूल्स सकते हैं कि भाई जान अब आपको सिखा रहे हैं कि अगर किसी बंदे को गाड़ी मार दी आपने या आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो आपने एक बंदे को 2 या 3 मिनट तक कैसे जगा कर रखना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2-3 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाती है जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है।119番通報お願いします。あなたは119番通報お願いします。
हाँ जी, तो बॉयज आपका भाई बैठ गया गाड़ी में और जाने के लिए तैयार है। बस थोड़ा ऊपर नहीं कर रहा मैं, लेकिन देख लो अपने भाई को आप।